नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि में यदि किसी भी कुंडली में बुध होगा तो उसका जो प्रभाव है, उसके जो मायने हैं, वो किस प्रकार के हो सकते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेना आवश्यक है। उसी प्रकार इस बुध के साथ यदि अन्य कोई ग्रह है तो उसके जो प्रभाव है वो भी किस प्रकार से मिल सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने मंगल और शुक्र हर राशि में होगा, मतलब 12 राशि में मंगल और शुक्र का जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड किए हैं, आप जरूर इसका लाभ ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कर्क राशि में बुध होगा तो इसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हमें संक्षिप्त रूप से कर्क राशि और जो बुध है उसके बारे में जान लेना आवश्यक है। जैसे कि कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और यह जो राशि है वह चर राशि है। और बुध के बारे में अगर कहा जाए तो बुध जो ग्रह है, यह बुध ग्रह बौद्धिक रूप से काफी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कुंडली में अगर आपको बौद्धिक मामले में अगर देखना है तो सबसे पहली नजर आपके बुध के ऊपर जानी आवश्यक है। नॉर्मली हम गुरु के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन बुध जो है वो प्राथमिक रूप से आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है, या फिर वो राशि में, नक्षत्र में, या फिर योग में, या फिर नौमांश में तो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो बुध है वो काफी बेसिक जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्ट लेवल है वो देता है, लेकिन उसके बाद ही बाकी की जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, उसी प्रकार वाणी का भी कारक है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आप किस तरह से बोलते हैं, किस ढंग से बोलते हैं, आपके बोलने का ढंग किस प्रकार का है, वो जो बात है वो बुध से देखी जा सकती है। स्किन एलर्जी से रिलेट करता है, मस्तिष्क से रिलेट करता है, उसी प्रकार आपके माँ के जो भाई बहन है उनसे भी बुध जो है उसका कारक माना जाता है। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, यदि कर्क राशि में बुध होगा तो नॉर्मल जो कर्क राशि में यदि वो बुध होगा तो वो बुध के जो मायने हैं, बुद्धिमत्ता के जो मायने हैं, उससे लेकर बहुत ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता। हालांकि बुद्धिमत्ता होती है, काफी अच्छी भी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक रूप से ये जो बुध है वो देखा नहीं जाता। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन पर इनके जो माँ का जो प्रभाव होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। और नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद से ज्यादा घर के जो लोग हैं उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और इन पर घर का जो प्रभाव होता है, घर के जो भी संस्कार होते हैं उसका जो प्रभाव होता है वो काफी ज्यादा माना जाता है। इंडिपेंडेंटली काम करना इन्हें ज्यादा नॉर्मली पसंद नहीं आता। इनके हर जो डिसीजन होते हैं वो नॉर्मली जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं इनके जो घर के जो लोग हैं, यानी कि या फिर इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, इनसे ये ज्यादा जुड़े होते हैं। और इन जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा कि यदि जो बुध है वो मेष राशि का होगा तो बुध जो मेष राशि के होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और थोड़ा सा हटकर सोचने वाले होते हैं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो थोड़ी स्वतंत्र रूप से देखी जा सकती है। अब इससे बिल्कुल भी उलट जो बात है, बिल्कुल भी विरोध में जो बात है, वो यदि बुध कर्क राशि में होगा तो वो देखा जाता है। लेकिन एक बात है कि यदि बुध कर्क राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति हो थोड़े से एडजस्ट करने वाले होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो इमेज होती है समाज में वो काफी अच्छे देखी जा सकती है। और खास करके वाणी के मामले में अगर देखा जाए, कम्युनिकेशन स्किल इनका जो होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। किसी भी विषय पर घंटों तक ये बात कर सकते हैं, और ये जो विषय होते हैं नॉर्मली रिलेशनशिप के मामले में या फिर इमोशंस के मामले में ज्यादा देखे जा सकते हैं। तो ऐसी बात होती है यदि कर्क राशि का बुध किसी पुरुष के कुंडली में भी होगा तो उनमें ये बात थोड़ी ज्यादा देखी जाती है, थोड़ी सी हटके बात होती है, लेकिन देखे जा सकते हैं कि किसी भी विषय पर ऐसे जो व्यक्ति है नॉर्मली इमोशंस या फिर फैमिली रिलेशन पर ये बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। फैमिली की तरफ इनका जो अट्रैक्शन है वो भी काफी, इनके जो जीवन के जो भी गोल्स होते हैं वो भी नॉर्मली फैमिली से ज्यादा रिलेट करते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो नेचर होता है थोड़ा सा डेलिकेट होता है, नाजुक इनका जो स्वभाव है वो देखा जा सकता है। और इनको इनके बारे में एक बात तय होती है कि जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसके बारे में भी इनका एक शेड्यूल होता है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द वे जाके काम करना, कुछ नया काम करना, कुछ नई बुद्धि, ये जो बातें हैं वो इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि कई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको लगता है कि ठीक है गवर्नमेंट की जॉब मिली या फिर छोटा मोटा काम मिले, हमारा जो 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 भी खर्चा है वो
संभल जाए तो बात ठीक है, तो उसी तक उसी सीमा तक वो विचार करते हैं, बहुत आगे की नहीं सोचते। तो ऐसी ही जो बात है वो कर्क राशि के जो बुध है इनमें देखी जा सकती है। लेकिन रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल करना है, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपके मतलब इनकी इनकी जो इमेज होती है घर में वो बहुत अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं तो इनके जुबान से कभी भी आप अलग से बात नहीं सुन सकते, या फिर इनकी जो बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं बोलते समय भी ये देखते हैं कि इनके वाणी से सामने वाला जो व्यक्ति है वो हर्ट ना हो। इसी वजह से इनकी जो इमेज होती है वो थोड़ा सा खास होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं, फैमिली मैन जिसे हम कहते हैं वो हो सकते हैं, जो कर्क राशि के जो बुध होते हैं उनमें ये बात थोड़ी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि कर्क राशि में यदि मंगल बुध युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको भाई बहनों का जो सुख है वो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हालांकि इनके जो बुद्धि होती है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन भाई बहनों के सिबलिंग जिसे हम कहते हैं इनमें छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, भाई बहनों के सुख मिलना थोड़ा कम हो सकता है। उसी प्रकार यदि बुध और शनि होगा मतलब बुध शनि की युति यदि कर्क राशि में होगी तो जो दिक्कत है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर भी आंख में आंसू आना या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाना, बहुत ज्यादा सोच विचार करना, थोड़ी सी नेगेटिव सोच इनमें थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है। यदि बुध के ऊपर शनि की दृष्टि भी है मतलब कर्क राशि का बुध है और उसके ऊपर यदि शनि की दृष्टि या फिर शनि इसके युति में या फिर प्रतियोग या फिर केंद्र योग में होगा तो ऐसे जो बातें होती है देखी जा सकती है। यदि बुध और शनि का त्रिकोण योग होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। नॉर्मली ऐसे भी देखा जाता है कि यदि बुध कर्क राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, वैसे कहाँ पर खर्च करने किस तरह से खर्च करने हैं, वैसे नॉर्मली खर्च नहीं करते, जो भी खर्चे होते हैं वो घर के लिए नॉर्मली करते हैं, तो ये बात इनमें थोड़ी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि ये जो बुध है ये बुध यदि नेपच्यून के युति में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो इंट्यूशंस होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, नॉर्मली धार्मिक स्वरूप के होते हैं। और ऐसा भी है कि यदि बुध कर्क राशि में होगा तो थोड़ा सा धार्मिक आध्यात्मिक जो टच होता है वो इनमें थोड़ा सा ज्यादा होता है और जीवन के प्रति इनका जो पॉजिटिवनेस है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है, तो ये बात इनमें थोड़ी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इस बुध के साथ यदि चंद्रमा है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यदि आपके साथ कम्युनिकेट कर ले तो काफी समय तक बोलते ही रहेंगे, मतलब इनको बोलना ज्यादा पसंद आता है, इनको जो केयरिंग नेचर भी इनमें काफी अच्छा देखा जाता है, शेयरिंग जो कहते हैं वो जो बात है वो इनमें देखी जा सकती है। अब ऐसा जो बुध है अगर पुनर्वसु नक्षत्र, हालांकि कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, तो पुनर्वसु नक्षत्र में यदि बुध है तो थोड़ा सा ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, खुद से कोई निर्णय ज्यादा नहीं लेते, लेकिन इनके इनका जो पूरा जीवन होता है वो थोड़ा सा एग्जाम्पल होता है औरों के लिए कि किस तरह से जीवन होने जीवन के प्रति आपकी दृष्टि किस प्रकार की होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फैमिली के संस्कार का जो प्रभाव होता है इनमें बहुत ज्यादा देखा जाता है, ईश्वर भक्त होते हैं, सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। पुष्य नक्षत्र में यदि बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं और इन पर घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो ज्यादा देखी जा सकती है और वही निभाते निभाते इनकी जो पूरी उम्र है वो गुजर भी सकती है। उसी प्रकार यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि बुध है तो स्किन एलर्जी थोड़ा या फिर हेडेक के बारे में थोड़ी जो बातें हैं वो देखी जा सकती है, लेकिन जो मैंने शुरुआत में बात कही कि यदि बुध कर्क राशि में होगा खास करके यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं इसके बारे में इनकी मालूम काफी अच्छी होती है। नॉर्मली आश्लेषा नक्षत्र में यदि बुध है तो वो बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं और बिजनेस कर भी लेते हैं, हालांकि बिजनेस का जो बात होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन छोटी मोटी जो बातें हैं छोटी मोटी जो बिजनेस है उसमें वो सेटल भी देखे जा सकते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बुद्धि की जो चमक होती है वो कर्क राशि में नॉर्मली देखी नहीं जाती, ये बात थोड़ी देखी जाती है इस राशि में यदि बुध है तो इंडिपेंडेंट जो इंटेलेक्ट है वो नॉर्मली देखी नहीं। लेकिन जो कॉमन मैन की डेफिनेशन में अगर आप देखें तो कर्क राशि का जो बुध है वो काफी ज्यादा आइडियल होता है, मतलब जो भी बात हम सुनते हैं या फिर अनुभव से आती है उसी को लेकर चलने वाले ये बुध होते हैं और खास करके फैमिली से काफी ज्यादा अटैच रहते हैं। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।